फैक्ट बात तो ये है गाइस कि मुझे झाड़ू बांधना नहीं आता है। देखिए गाइस क्या हो गया, मेरा ये अंगुली में झाड़ू बांधने के क्रम में इस तरह का हुआ है हादसा में। हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज का व्लॉग हम शाम से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि टाइटल या थंबनेल में आपने देख लिया है, आज हम झाड़ू बांधने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे अपने व्लॉग में झाड़ू कौन बांधता है, पर आज हम बांध के दिखाएंगे आप लोगों को। एक्चुअली वो झाड़ू तो हिंदी में हो गया, झाड़ू मतलब लोकल लैंग्वेज उसको बढ़नी बोलते हैं। झारखंड के हर गांव देहात में ज़्यादातर वही झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपने मेरे पिछला व्लॉग देखा होगा जिसमें हम चैनपुर का बाज़ार गए थे, चैनपुर मतलब अभी हम चैनपुर में ही हैं, तो यहीं का हम बिफे बाज़ार गए थे, वहीं से हम झाड़ू खरीदे थे यानी कि बढ़नी। तो उसी को हम बांधेंगे क्योंकि उसको बांधना पड़ता है झाड़ू करने लायक बनाने से पहले। वो खुला हुआ रहता है ना, उसको चटाई की तरह गूथा जाता है। वो एक घास होता है उससे बनाया जाता है, तो उसी को हम आज बांधने वाले हैं। अभी हम दोपहर का जो बर्तन सफा कर लिए और झाड़ू भी लगा लिए, तो अभी हम वही झाड़ू बांधने का सोच रहे हैं। तो चलिए अब झाड़ू बांधते बांधते आपसे बात करते हैं। तो गाइस ये है वो झाड़ू बार बार मुंह से निकल जा रहा है। इसका नाम है बढ़नी, इसको बढ़नी बोलते हैं। तो ये है बढ़नी जिसको हम बांधेंगे। ये उस दिन बाज़ार से ख़रीदा हुआ बढ़नी है। पहले हम दिखा देते हैं कि ये किस तरह से बनाना है। तो ये है बढ़नी जो पहले से मेरे पास घर में है, वो ये है। देखे आप देख सकते हैं ये अभी ठुट्टी हो चुका है, ठुट्टी मतलब कि ये छोटा हो चुका है। देखिए कितना छोटा है ये और ये कितना बड़ा है। फैक्ट बात तो ये है गाइस कि मुझे झाड़ू बांधना नहीं आता है, ठीक से नहीं आता है ये झाड़ू। एक आंटी आई थी मेरे क्वार्टर में यहाँ, तो वो बांध के गई है। वो देखी कि ये झाड़ू तो ठीक से बांधा नहीं हुआ है, तो बांध के गई थी। तो बहुत दिन हो चुका है, झाड़ू का कंडीशन देख के आप समझ सकते हैं कितना दिन का है। तो उसी टाइम का है ये झाड़ू और वहीं बांध के गई है, तो हमको उसी तरह बांधना है। हम देखे थे कैसा बांधी थी, पर तो दिन हो गया तो हम भूल गए हैं। पता नहीं, देखते हैं बांध पाते हैं या नहीं हम आज अच्छे से। तो चलिए गाइस इसको बांधना शुरू करते हैं। पहले इसको खोल लेते हैं, बाजार से ही बांध के दिया गया था। मेरा जब शादी नहीं हुआ था तब तो मतलब मम्मी ही बांधती थी ना, ये सब काम तो मम्मी का था, हमको जरूरत ही नहीं पड़ा कभी ये सब करने का। पर जब शादी हो चुका है अब तो करना ही पड़ेगा। और यही झाड़ू अच्छा लगता है झाड़ू करने के लिए, आंगन सब या फिर पक्का में भी करने के झाड़ू करने के लिए ठीक होता है ये। और ये लोकल में मिलता है झाड़ू, तो यही झाड़ू खरीदना चाहिए हम लोग को, लोकल को मतलब बढ़ावा देने के लिए, लोकल जो बनता है वो सबको। तो ये वही झाड़ू है गाइस, ये एक घास से बनता है झाड़ू। देखिए ये इस तरह का एक घास से बनता है, देखिए एक एक सामने से इस तरह का घास रहता है ये, जो झाड़ू बनाने वाले लोग पहचान लेते हैं कि ये मतलब चट्टान के पास पहाड़ या छोटा छोटा जो पहाड़ होता है वो सब जगह पे होता है। और थोड़ा नीचे कर देते कैमरा का एंगल, ठीक से दिख नहीं रहा है। हाँ अभी ठीक है, वैसे भी मेरा क्या शक्ल देखना है आप लोग को, यहाँ पे झाड़ू देखना है। पता नहीं मेरे से कैसा बंधेगा। और हाँ, बांधने के लिए ये मेरे पास है ये रस्सी, ये प्लास्टिक का रस्सी है। जो नारियल का रस्सी होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, पर वो मेरे को दुकान में मिला नहीं, तो इसी का है। और ये इतना बड़ा खरीद लिए थे, इसमें भी वही लगा हुआ है।
करेंगे, चाकू ले आते हैं काटने के लिए। डबल फोल्ड कर लेना रहता है। मेरे मेमोरी के हिसाब से जितना मुझे याद है ऐसे किया जाता है। फिर इसको अच्छे से पूरा खोल कर देखिए, इस तरह का यहाँ पे लास्ट में घुमा के बनाया गया है। देखिए तो इसमें इसका एंड में इस तरह का है, तो इसमें फंसाएंगे इसको। कैसे कीजिए, ये वाला जो खुला हुआ एंड है ये किधर रहता है? देखते हैं एक बार बांध कर जिस तरह से होगा, वरना फिर खोल के फिर से बनाएंगे। ये वाला ही इधर रहता है, मतलब आप लोग दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे इसको घुसाते हैं, उसके बाद हमारे तरफ तो इसको बढ़नी बोलते हैं गाइस, आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं जरूर बताइएगा, वरना फिर उस कद्दू जैसा केस हो जाएगा। कद्दू को वो सब्जी बेचने वाले दिन हम कद्दू बोल रहे थे ना, लंबा वाला को, और सब कमेंट कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि इसको लौकी बोलते हैं, लौकी, ये बहन जी लौकी को कद्दू बोल रही है, ऐसा भी किसी ने कमेंट किया था। तो इसीलिए गाइस अपना अपना एरिया तरफ अलग बोला जाता है, तो हम एक्चुअली उसको लौकी ही बोला जाता है, पर हम बचपन से उसको कद्दू कद्दू बोल बोल के उसको कद्दू बना दिए हम। इसीलिए वो कद्दू मेरे मुंह से निकला था, तो प्लीज़ एक्सक्यूज गाइस ऐसा कुछ गलती हो जाए तो। तो इसे भी बढ़नी बोलते हैं मेरे एरिया में, आप लोगों की तरफ क्या बोला जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये गोल गोल तो घूम चुका है, और इसको टाइट किया जाता है ठोक के। एक्चुअली मेन तो इसको रस्सी बांधने में ही है, रस्सी टाइट से अगर नहीं बंधा रहेगा तो ये जो गोल गोल घुमा है ना हम, ये खुलते जाएगा, फिर जब भी झाड़ू लगाओ फिर ठोक ठोक के झाड़ू लगाना पड़ेगा, तो वो ना हो इसीलिए इसको टाइटली बांधना पड़ेगा। कैसे करना रहता आपको याद है? सुन रहे हैं, याद है इसको कैसे घुसाना रहता है इधर से? अरे ऐसे कैसे कैसे, हमको नहीं आ रहा है। ओ हो, समझिए देखिए ये वाला है ना, ये वाला है, इसमें इसको घुसा के ये वाला को फिर टाइटली बांधिए। देखिए रुकी तो दीजिए दीजिए, इतना यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, और खींच लेते हैं इधर, यहाँ तक पहुँच रहा है, इसी को टाइट करना है। ओ अब इसको इसके अंदर फंसा लेते हैं, टाइट से खींचते हैं, इसके लिए पैर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। झाड़ू भी टूट गया, मतलब एक जो घास होता है यही सब होता है नौ सीखिए के साथ, पर ट्राई करेंगे तभी तो सीखेंगे, ऐसे किससे बंधवाते रहेंगे हम हमेशा अपना घर में, हम ही को ना बांधना पड़ेगा। यहाँ पे जो टाइट ही करना सबसे मुश्किल काम है गाइस, हल्का टाइट तो हो गया चलेगा, इतना ही। अब इस तरह के यहाँ पे बना लिए, अब इसको राउंड घुमा घुमा के तो गाइस ये लगभग बन चुका है झाड़ू, पर इसको अब जो बचा हुआ रस्सी है इसको हम इसी में एडजस्ट कर लेते हैं।
और पनीर झाड़ू बन चुका है। ये देखिए झाड़ू, देखिए इससे थोड़ा सिमिलर लग रहा है इससे। हाँ आई थिंक सेम ही है, ऐसे ही किया किए थे होंगे। चलेगा, अब तो झाड़ू लगाने पर पता चलेगा। अगर ये ऐसे ही इंटैक्ट रहा, ऐसे ही रहा, तो मतलब झाड़ू अच्छा बन रहा है। वरना अगर ये घिसकते गया, जैसे इस तरह का यहाँ पे गैप आ गया है ना, देखिए इस तरह गैप आ गया, अगर इसमें गैप आ जाएगा तो थोड़ा सा आएगा तो चलेगा, पर तो ज़्यादा अगर आ गया तो मतलब लूज बांधे, ठीक से बांधे नहीं है। वो तो बंद गया, टन टन। तो गाइस पूरा शाम हो चुका है, आई थिंक 6 बज गया होगा। और मेरे पीछे ये मेरे हबी मेरे लिए टेबल फ़ैन चला दिए थे, क्योंकि बहुत बांधने में तो मेरा पसीना भी छूट रहा था और मच्छर भी काट रहा था, तो इसीलिए वो पंखा लगा दिए थे। तो चलो मेरा काम तो हो गया। तो आज का ब्लॉग झाड़ू बांधने के ऊपर ही था गाइस। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और क्या आप लोग को अगर नहीं आता है तो शायद सीख भी गए होंगे। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग का ही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। आपका गलती है पूरा।